भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। इससे पहले पीएम मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भारत ने अपनी सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। परेड में भारत की बढ़ती सैन्य, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षमताओं की एक से बढ़कर एक मिसाल दिखी। परेड में मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों के साथ देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चार तस्वीरों के जरिए आपको भारत की ताकत दिखा रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। इसमें 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन लगी है। कर्तव्य पथ पर 1890 रॉकेट रेजिमेंट ने पिनाका रॉकेट सिस्टम दिखाया। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवड़ा कर रही थी। पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है। ये पूरी तरह से स्वदेशी और ऑटोमेटिक है। कर्तव्य पथ पर पराक्रमी ऑल टेरेन व्हीकल्स का भी प्रदर्शन देखा गया। इसके बाद मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम की टुकड़ी ने भी अपना दम दिखाया। भारतीय सेना ने साबित कर दिया कि वे युद्ध में विश्वसनीय और सटीक हमले करने में सक्षम है। वहीं दुश्मनों की कार्रवाई को निष्प्रभावी करने के मामले में भी मजबूत है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।